सारियां दी आवाज नहीं आ रही, सारे बोलो जी वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। अजे भी कई ढिला ढिला बोल रहे हो, सारे बोलो वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सारी संगत बड़े प्यार दे नाल गुरफतेह दी सांझ रल मिल के करो, तां जो कीर्तन द्वारा असी आप जीयां दी सेवा कर सकीए। मेरी बेनती है प्यार सहित सारे फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे प्यार नाल आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। फिर गज के आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन बाबा दीप सिंह, अज इस जगह ते बाबा दीप सिंह जी दा आगमन दिन मनाया जा रहा है। थोड़ा जा समा मैं तुहाडा लेना, बिल्कुल थोड़ा जा, पर एक बेनती मैं करांगा। तन दे नाल नाल कोशिश करियो मन दा भी टिकाव बने। एडी तगड़ी भावना नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच बैठो, इधर बैठे ने ना बापू जी गुरु ग्रंथ साहिब, एडी तगड़ी भावना साडी बन जे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच आप हाजर नाजर गुरु रामदास पिता चमकड़ा मार के बैठे ने। एक बारी बोलो वाहेगुरु धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन बाबा दीप सिंह, तगड़ी भावना बन जे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच आप हाजर नाजर गुरु रामदास बैठे ने। जदों ए भावना दे नाल बैठोगे कीर्तन करन दा भी रस आएगा, कीर्तन सुनन दा भी रस आएगा। ये मेरी बेनती है, जड़ियां संगतां रोजाना तीन तो चार दोपहर नूं पीटी से सिमरन ते समागम वेखदियां ने, उन्हां नूं पता है मेरा एक सुभा है कीर्तन की आरंभता वेले मैं बहुत जरूरी जरूरी गल्लां संगत दे नाल सांझियां करदा वां, ते मेरा चित करदा है अज भी वह गल्लां मैं तुहाडे नाल सारियां नाल सांझियां करां। और जिन्ने इत्थे नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हो ना, ये ध्यान नाल सुणिओ, ये मेरी बेनती है। जिन्नी न्यू जनरेशन है ना, ये ध्यान नाल एक एक वर्ड वल मेरे ध्यान देना। और मैं तुहाडे सारियां कोलों पुछना भी जे साडी कथा कित्थे सी, तुसीं उस वेले उच्ची बोल के दसना है। एक बारी बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। पहली गल इह सुणिओ ध्यान नाल, उचित इह नहीं कि असी हर वेले दूजियां दे वल ध्यान दईए। कईआं दा सुभाव हुंदा है उन्हें इदा किया, उन्हें इदा क्यों नहीं किया, उन्हें इदा क्यों कह दिता, उन्हें इदा क्यों नहीं किया। उचित ए नहीं, उचित पता की है, उचित ए है कि अपना यात्रा पथ, पथ का मतलब रस्ता, अपना जेड़ा यात्रा का रस्ता है ना, तुसी आप चुनो। ये गल ध्यान देना, उचित की है कि अपना यात्रा पथ तुसी आप सुनो ते दूजियां दी चिंता ना करो। लोग की कहणगे, लोग की कहणगे, सच्ची गल है अज जे तुसी कुछ चंगा करदे हो ना, लोकां ने तां वी तुहानू नहीं जे छड्डणा, मंदा करोगे तां वी नहीं जे तुहानू छड्डणा। करना चंगा ही है, करना गुरु आशे मुताबक ही है। जिन्ने बच्चे बच्चियां बैठे ना, जरा ध्यान देना, करना गुरु आशे मुताबक ही है। पर प्यारे ओ चंगा करन दे वेले तुसी किसे दी चिंता ना रखो अपने अंदर, लोग की कहणगे। अपना रस्ता तुसी आप चुनो, दूजियां दी चिंता ना करो, क्योंकि अपने आप नू समझना ही बड़ा कठिन है, ते दूजियां नू समझना ए ते असंभव गल है। आखो वाहेगुरु, अपने आप नू समझना ही बड़ा कठिन है,
पर दूजियां नूं समझणा इह ते असंभव गल है, असंभव। इस करके दूजियां दी चिंता ना कर, अपना रस्ता सही आप चुण ते उस रस्ते वल गुरु आशे मुताबक वधदा जा। गुरु आशे मुताबक अपना नितनेम वधा, बाणी नाल जुड़, अमृत वेला कायम रख, अपना नाता अपना कनेक्शन गुरु रामदास बाबा दीप सिंह नाल जोड़ के अगा वधदा जा। कह दियो वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारे गज के आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल मैं तुहाडे नाल करां, उस तो पहले एक जरूरी बेनती मन लो, जरूरी बेनती ए ध्यान नाल सुनियो। जिन्हें भी इतने बच्चे बैठे ने ना, 6-7 साल की उम्र तो लैके 20-21 साल तक जिन्हें भी बच्चे बैठे ने, मैं सबनों बेनती करदा खड़े हो जाओ ते अगे आके बहन की कृपालता करो। जिन्हें भी 6-7 साल की उम्र के बच्चे जेड़े गल समझ सकते ने ते 20-21 साल तक के जिन्हें भी बच्चे बच्चिया ने, सबनों मैं बेनती करदा इधरले पासे अगे आके बहन की कृपालता करो। उठ जाओ सारे, उठ के इतने आके बहन की कृपालता करो। आज जिवें बच्चियां बैठिया ने छोटियां छोटियां, पिछों भी आ गए ने उठ के बच्चे, इधरों भी होर भी, मैं सबनों बेनती करदा जिथे जिथे बच्चे बैठे ने ना, ये बचन मनो, सारे जाने अगे आ जाओ, सारे अगे आ जाओ। अज मैं तुहाडे नाल बड़िया जरूरी गल्लां करनियां ने, बड़िया जरूरी। थोड़े जे मिनट मैं लाने ने, पर तुहाडे नाल अज मैं इहो जिहियां गल्लां करनियां ने जिहड़ियां गल्लां तुहाडे जीवन दे विच बड़ी वड्डी तब्दीली लैके आउणगियां। एक बारी बोलो वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारे गज के आखो धन बाबा दीप सिंह। ये रस्ता भावे इदा ही, क्योंकि जिन्हां ने दर्शन करने सारी संगत टिक चुकी है, कुछ समय लिए भावे विच ही बह जाओ, इत्थे बह जाओ, कोई नहीं। गुरु साहब दीआं सीसां मिलणगीआं सबनूं, संगत दीआं सीसां मिलणगीआं, और तुसीं प्यार नाल बह के सुनना है ते जो मैं बोलना है वह मैं तुहाडे कोलों पुछी भी जाणा है। ते समाप्ति ते पता तुहानूं अज की मिलना है सबनूं, अज तुहानूं इहो जिहा गिफ्ट मिलना है सारे बच्चियां नूं, जिहड़ा गिफ्ट लोक दीआं दातां नाल भी तुहाडीआं झोलीआं भरेगा ते तुहाडा परलोक भी सवारेगा। वो गिफ्ट पता कहड़ा है? वो गिफ्ट है संगत दीआं असीसां दा गिफ्ट। वो अजे ते नज़र नहीं आएगा, पर समा आउण ते वो गिफ्ट इहो जिहा तुहानूं नजर आएगा, इहो जिहा तुहाडे जीवन दे विच वो गिफ्ट तब्दीली ले आएगा। तुसी आप वेख के हैरान होवोगे, मैं सोचता कुछ सां पर बनदा मेरे नाल कुछ होर ही जा रहा। संगत दीआं असीसां इन्नीआं कम आउणगीआं तुहाडे। एक बारी सारे बोलो वाहिगुरु, वाहिगुरु। बच्चियां दी उच्ची सारी आवाज आवे, बोलो वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। शाबाश। हुण पहली गल फिर मैं रिपीट कर दिया, अपना जेड़ा पथ है, पथ मतलब रस्ता, अपना जेड़ा रस्ता है तुसी आप चुनो, होवे वो सही रस्ता, गलत रस्ता ना होवे, गलत रस्ते नहीं असी जाना, होवे गुरु आशे मुताबक सही रस्ता। प्यारे ओ, अपना रस्ता तुसी आप चुनो ते दूजियां दी परवाह ना करो। पेरेंट्स का सत्कार करना है, वो जिवें तुहानू सही रस्ते ते तोर दे ने, गुरु आशे मुताबक तुरना है, पर आले दुआले की परवाह ना करो, लोग की कहणगे, क्योंकि अपने आप नू समझना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, ते दूजियां नू समझना ए ते असंभव गल है। आखो वाहिगुरु, वाहिगुरु। अगली गल, वक्त तुहाडा है, जिन्हें असी बैठे हैं ना, वक्त तुहाडा है। लिखण वाले ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहिंदा वक्त तुहाडा है, भावे इस वक्त नू तुसी सोना बना लो, सोना, ते भावे इस वक्त नू सौण दे विच गुजार दिओ। कई आलसी बड़े होंगे ने, इनी लोड़ अनुसार सोना है, पढ़ना है, गुरु आशे मुताबक जीवन दे विच चलन दा यतन करना है, क्योंकि वक्त तुहाडा है, भावे इस वक्त नू सोना बना लो ते भावे इस वक्त नू सौ के गुजार दिओ, फैसला तुहाडे हथ विच है। कह दिओ धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारे गज के आखो धन बाबा दीप सिंह जी। फिर गज के आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल,
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹਿਲਜੁਲ ਘਟਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਛਕ ਲਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ? ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਬਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖੋ। ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਕੈਮਰਾ ਬਾਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਘੁਮਾਓ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਘੁੰਮਣਾ ਨੀ ਆਪੋ, ਘੁਮਾਓ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਆਹਾ ਹਾ, ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈਂਜੀ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਕੈਮਰੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੈਂਜੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੱਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਬੀਜਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਬੀਜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਬੀਜੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਲੈ ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਬੀਜਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਬੀਜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਬੀਜੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਓ, ਕਰਮ ਬੀਜਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਨੇ 10 ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਫਲ ਵੱਧ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜਣੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਬੀਜਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਲ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ?
ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।